हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाई जाने वाली 16 दिसंबर की तारीख भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में खासी अहमियत रखती है। 49 साल पहले 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को न केवल धूल चटाई बल्कि पड़ोसी मुल्क के दो टुकड़े भी हो गए, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसमें भारत की भूमिका पर पाकिस्तान मीडिया क्या अपनी नजर रखता है, इस कॉन्वर्सेशन में आप समझिए। इंडिया का नाम लेते हैं लेकिन इंडिया वाले भी तो क्रेडिट लेते हैं, वो भी तो बहुत बार हम दिखते हैं कि अपने मीडिया में और वो बिल्कुल ऐलान करते हैं कि हमने किया है, तो फिर वो इस तरह की बात क्यों करते हैं कि जी हमने ये किया। ठीक है, बहुत ज्यादा हमारी तरह से गलती होगी लेकिन क्या इंडिया का भी थोड़ा बहुत कुछ रोल रहा है इसमें? देखें, यही प्रॉब्लम है ना, अगर आप इसी सवाल पे गौर करें और काम को दावत दें कि वो इस पे गौर करे कि इंडिया उसका अब क्रेडिट इसलिए ले रहा है कि अब ये क्रेडिट लेने की बात है, अब बांग्लादेश बन गया है और वो एक सक्सेसफुल कंट्री के तौर पे फ्लोरिश कर रहा है और वो पाकिस्तान से हर एतबार से एक बेहतर कंट्री के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गया, तो हर अच्छी चीज का कोई ना कोई क्रेडिट तो कोई लेता भी है, कभी इनकार नहीं करता, लेकिन इनकार लोग उस चीज से करते हैं ना, आउन आप उस चीज को नहीं करते ना जो अगली है और जो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसका दूसरी चीज ये है कि देखें, हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैंने कहा ना कि हम अभी तक उसको ये कहते हैं कि बंगाली तो हमारी कॉलोनी थी तो वो अलग क्यों हुआ, हम अब तक भी ये नहीं मानते कि बंगाल के अलहदा होने में और उसके आजाद होने में फर्क है। यही क्रेडिट आप भी ले सकते थे अगर आप उस वक्त बंगालियों को उनके हकूक दे देते और किसी ना किसी तरीके से आप उसको पाकिस्तान की कॉन्फेडरेशन में, फेडरेशन में, किसी फेडरेटिंग यूनिट के तौर पे जो उनके 6 निकाती मतालबात थे उनको तस्लीम करके रख सकते थे तो फिर आप क्रेडिट लेते। आपने एक तरफ तो ये तय किया कि हमने फौज के जरिए इनके हर जो है वो मसले का इलाज करना है और दूसरा आपने ये समझा कि हम इनको फतह करके अपने साथ रखेंगे, यानी एक माइनॉरिटी प्रोविंस जो है एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को जबरदस्ती बंदूक के जोर पे अपने साथ रखेगा, तो फिर जाहिर है कि इंडिया का क्रेडिट एक तो ये लेते हैं, पॉलिटिशियंस हमेशा लेते हैं, इंडिया कोई रूहानी कुव्वत नहीं है, एक कंट्री है, तो उसके भी मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस सामने आते हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी जिसने ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया उनकी अपने नुक्ता नजर से, उसने इतना क्रेडिट नहीं लिया था जो अब लिया जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। उन्होंने कभी उस तरह ओपन खुल के उस तरीके से नहीं कहा, उनका तो एक सिंपल प्रोसेस था। देखें, बात यह है कि बांग्लादेश से बहुत बड़े पैमाने पे जो बंगाल उस वक्त वहां से जो है वो रेफ्यूजी जा रहे थे इंडिया में, ये बिल्कुल वही सिचुएशन थी जो कि आप ये देख लें अफगानिस्तान से रेफ्यूजी पाकिस्तान में आए। फर्क सिर्फ इतना है कि अफगानिस्तान का ताल्लुक सोवियत यूनियन से था जिसका उसका कोई फौरी ताल्लुक नहीं बनता था, लेकिन यहाँ जरा मसला जो है वो अक्रॉस था बॉर्डर एक इशू था, बंगाल के लोग, उनकी लैंग्वेज, उनकी सारी चीजें थी और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट थी कि इतनी बड़ी तादाद में बंगाली अगर वहां से जो है वो मगरबी बंगाल में आके आबाद हो जाते हैं तो फिर ये हम इसको वो कैसे करेंगे। नंबर दो ये है कि वहां पे इतने बड़े पैमाने पे जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया पीपल वर्सेस आर्मी, तो उस वक्त इंडिया के लिए ये एक चांस क्रिएट हुआ, तो इंडिया के साथ तो आप दोस्ती करते ना, अगर और आपकी दोस्ती होती तो इंडिया क्यों मुदाखलत करता? जब आपकी इंडिया से दुश्मनी थी तो आप एक दुश्मन से क्या तवक्को रखते हैं कि ऐसे मौके पे वो कहे कि नहीं जी मैं गैर जानबदार हूं? क्या आप कभी पाकिस्तान की कोई लीडरशिप ऐसे कर सकती है? जब आप एक काम से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ आपने बंदूकें तानी हुई हैं, उन्होंने आपके खिलाफ बंदूकें तानी हुई हैं, आपके सिपाही जो हैं वो सरहदों पे खड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो उस वक्त आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो क्या करते? उन्होंने तो एक जो है वो बहुत अच्छा मौका देखा और उसके मुताबिक उन्होंने वहां पे अपनी एक गुडविल क्रिएट की। आज आप बांग्लादेश के किसी आदमी से पूछें, ये मेरा और आपका हक नहीं बनता कि हम बांग्लादेश के लोगों को बताएं कि आपका दोस्त और दुश्मन कौन है और हिस्टोरिकली किसने आपकी मदद की और किसने आपको जो है आपके साथ ज्यादती की। लेकिन बंगाल के लोगों में इतनी बात जरूर है कि उनकी अक्सरियत जो है इस मामले में वो इंडिया को अप्रिशिएट करती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम पे फौज कशी हो रही थी, हमें मारा जा रहा था, हमें मिटाया जा रहा था,
तो इंडिया ने हमारी मदद की। ये बड़ा सिंपल किस्म का एक चीज है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि इंडिया जो क्रेडिट ले रहा है आप उसको उससे रोक सकते हैं। उससे रोकने का तरीका यही है कि आप बांग्लादेश के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो क्यों नहीं बन सकती, इसलिए कि आप अब तक उसी मगालते में मुबतला हैं कि बांग्लादेश जो है उसको या हमारी कॉलोनी होना चाहिए था या उसको जिंदा रहने का हक ही नहीं। बादिले नाख्वास्ता आपने उसको तस्लीम कर लिया चूंकि आपने कैदी छुड़ाने थे, तो आपने कहा कि ठीक है जी हम बांग्लादेश को तस्लीम करते हैं। आपने अपने जो आपके मिलिट्री पर्सनल जो उस वक्त जेनोसाइड में मुलव्वस थे और जिनके खिलाफ इंटरनेशनल वार क्राइम्स ट्राइब्यूनल में मुकदमात चलने की मुतालबात हो रहे थे, उनको बचाने के लिए आपने उस वक्त तस्लीम कर लिया कि जी ठीक है बांग्लादेश को हम मान लेते हैं। लेकिन आपने दिल से बांग्लादेश नहीं माना, आपने कितने दौरे किए बांग्लादेश के, वहाँ के जो है हुक्मरानों को आपने कितनी दफ़ा इन्वाइट किया, और आप मुझे ये बताएं कि आपके दिल में क्या है कि आप क्या चाहते हैं कि अब भी बांग्लादेश किसी न किसी तरीके से वापस जो है वो आपकी कोई कॉलोनी बन जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर उसमें कोई भी एक आदमी संजीदा होता पाकिस्तान की लीडरशिप में 71 के बाद, तो वो बांग्लादेश के साथ पहले से कई हजार गुना बेहतर ताल्लुकात बना सकता था। और इस जो जदीद दुनिया में ताल्लुक का मतलब दूसरे को फतह करना या उस पे डोमिनेंस या उन पे फौजों के जरिए कब्जा नहीं है, बल्कि वो बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात ही वाहिद रास्ता है। तो वाई यू कैन नॉट डिवेलप एक रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ जो कि बराबरी की बुनियाद पे हो? आप में इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? आपने ऐसा कौन सा तीर मार दिया 1947 से लेके जो बाकी काम उन्हें इस ग्लोब पे नहीं मारा? तो एक जो है वो नेशन या नेशनलिटी आपसे अलग हो गई तो वो आपका फॉरएवर दुश्मन है, ये तो कोई बात ना हुई ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आप बांग्लादेश के बारे में हमदर्दी से गौर करें तो सबसे पहले जो है वो बांग्लादेश के लोगों से माफी मांगी जाए। जो कुछ भी वहां हुआ अच्छा नहीं हुआ, जो इसको अच्छा कहता है मैं समझता हूँ कि वो तारीख की बहुत गलत सिमत में खड़ा है और उसके अंदर जमीर नाम की कोई चीज नहीं है कि जहाँ इतनी बड़ी कत्लो गारत करी हो खुद अपने मुल्क में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अपने अवाम की इस तरह असमत दरी हो, इस तरीके से जो है इनजस्टिस हो और उनके पॉलिटिकल राइट्स को इतने बुरे तरीके से डिनाई किया जाए, तो आप उस पर माफी ना मांगें, उनके साथ ताल्लुकात दुरुस्त ना करें, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक उसी तरीके से सोचते हैं कि आपने जो कुछ किया था बिल्कुल ठीक किया था। दोस्तों 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग के बाद 54 सैनिकों और अधिकारियों को मिसिंग इन एक्शन यानी लापता या फिर किल्ड इन एक्शन घोषित किया गया। ऐसा माना जाता है कि ये सैनिक आज भी जिंदा हैं और पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में कैद हैं। इन 54 लापता में 30 आर्मी के और 24 एयरफोर्स के जवान हैं। वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ते हुए इन सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। 1971 की जंग के बाद हुए शिमला समझौते में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को वापस भेजा गया। हालांकि सरकार ने भारत के 54 लापता सैनिकों को लेकर कोई समझौता नहीं किया। 1979 में संसद में अमर सिंह पठावा के सवाल के जवाब में विदेश मंत्री समरेंद्र कुंडू ने लोकसभा में लिस्ट जारी की जिसमें 40 लापता सैनिकों के नाम थे। इसमें उन जेलों के बारे में भी बताया गया था जहां इन सैनिकों को रखा गया, लेकिन बाद में इस लिस्ट में 14 नाम और जुड़ गए। मेजर कमलजीत सिंह इकलौते ऐसे अफसर थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग एक हाथ से लड़ी। कहा जाता है कि अगर कमलजीत ना होते तो आज पंजाब का फिरोजपुर पाकिस्तान में होता। उनकी पत्नी जसवीर कौर और इकलौती बेटी आज भी उनकी राह तक रही है। 71 की लड़ाई के 12 साल बाद उन्हें गुरुमुखी में लिखा हुआ पत्र मिला था जिसमें कमलजीत ने पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद होने के साथ ही अपने साथ हुए जुल्म को भी बयान किया था। उनकी पत्नी कहती है, ना मेजर कमलजीत सिंह थे मत बोलिए, वो है जिंदा है। 1983 और 2007 में लापता सैनिकों के परिजन पाकिस्तान की जेलों में भेजे भी गए लेकिन खाली हाथ ही लौटे। इन लापता सैनिकों के परिजन सरकार के साथ ही संयुक्त राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दरवाजे खटखटा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2015 में सुनवाई के दौरान सरकार का जवाब था, हमारा मानना है कि उन सभी सैनिकों की मौत हो गई होगी, पाकिस्तान इन लोगों के कैद में होने के बाद से इनकार करता रहा है। युद्ध के मैदान में भारत के सामने कभी पाकिस्तान टिक नहीं पाया।
1989 तक अपनी इन जेलों में लापता सैनिकों के होने की बात को भी खारिज करता रहा, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने सत्ता संभालने पर इस बात को स्वीकार किया था। हालांकि इसके बाद फिर से पाकिस्तान ने सैनिकों की बात को सिरे से खारिज कर दिया।